इन्हीं को 150 है, इसमें क्या बोलम दे रहा है? गाड़ी ज्यादा हिट होने के बाद इसमें से धुआं मारना चालू हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये सब चीज ओपन करना पड़ता है। इसमें दो बोल्ट आता है, साइलेंसर का दो नट रहता है, वो भी ओपन करना पड़ता है, और जो इधर पीछे रहता है नट, देखिए ये भी ओपन करने के बाद ये जो साइलेंसर है बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर ये चीज़ बाहर निकलता है। ये ऊपर का टॉप है, इसको हेड बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं। अभी देखिए टॉप खुल गया हुआ है, ये टाइमिंग है, इसमें टाइमिंग चेंज बोलते हैं इसको। एक गियर है, ये भी दो ये बोल्ट निकालना पड़ता है, और ये चार बोल्ट है, देखो इसमें पूरा खोलना पड़ता है। ये देखिए चारों बोर्ड मैंने खोल दिया हूँ। अभी देखिए ऊपर आता है, ये पीस पहले निकलता है, इसमें जो है टाइपिटर लगा हुआ रहता है। इसके बाद में हेड अभी ओपन करने का, ये दो जो है बोल्ट है, बोल्ट क्या करना पड़ता है, इसको ओपन करने के बाद ये ऊपर का जो हेड है हेड निकलता निकल जाता है। फिर इसके बाद में देखिए ब्लॉक निकला हुआ है, इसमें जो हल्का हल्का इसमें लाइनिंग पड़ा हुआ है, लाइनिंग वजह से क्या होता है, इसमें पिस्टन मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए जो होता है ये पिस्टन में क्या प्रॉब्लम है कि पिस्टन कहीं रगड़ खाया हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जो ब्लॉक है ब्लॉक में इसमें जब भी लाइनिंग नहीं है, मैं क्या करता हूँ जो पिस्टन भी चेंज कर देता हूँ, और जो वाल है वाल भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए दोबारा गाड़ी में, तो मैं पूरा वाल और पिस्टन जो है पूरा चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए पिस्टन मैंने बोरिंग किया, अभी इसमें 25 नंबर पिस्टन आया, पहले स्टैंडर्ड था। अक्सर जो मैकेनिक का क्या चॉइस अलग अलग होता है, अभी मेरा क्या रहता है जब मैं कोई भी गाड़ी खोलता हूँ तो ये पिस्टन और देखिए इसके अंदर वाल भी मैंने पूरा चेंज कर देता हूँ। और दूसरी बात अभी क्या है, पिस्टन कैसे बैठा जाता है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ये देखिए रिंग है, इसको बोलते हो ऑयल रिंग, इससे ऑयल जो है स्टॉप करता है, पहले इसको लगाना चाहिए। और ये देखिए गेप एक छोटा है एक बड़ा है, जो बड़ा वाला है इसे टॉप पे रहना चाहिए इसे, और जो रिंग का जो खाँचा रहता है इसका आगे का, इसको इधर थोड़ा इधर रहना चाहिए आगे, ये थोड़ा इधर रहना चाहिए एक इधर रहना चाहिए। इसके ऊपर एक बारीक लगता है, और ये देखिए फिटिंग हो गया। अब इसके ऊपर एक और आता है, ये देखिए ये दूसरा बैठ गया हुआ, एक ए साइड रहता है एक ए साइड रहता है, जो अंदर का रहता है वो बीचों बीच में लगा हुआ रहता है, ऐसे दो लॉक लगा हुआ रहता है इसमें, एक लॉक लगा चुका हूँ। ये लॉक का काम क्या करता है, ये जो पिन है ये पिन को इसे आगे पीछे नहीं करता है, क्योंकि पिन को पकड़ के रखा हुआ रहता है, ये लगता है पूरा, ये देखिए पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड में लगता है, और ये पिन देखिए मैंने पिन जो है पिन अंदर डाल दिया हूं मैं। अभी इसमें जो लॉक होता है, लॉक लगाने के तो इसको थोड़ा कपड़ा रख देना चाहिए कि जो लॉक है अंदर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो गिर जाता अक्सर करके। ये देखिए ये पिन है, लगता है स्क्रू ड्राइवर से इसको लगता है, छोटा हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है इसका पिन लगाने के लिए। ये देखिए बैठ गया पिन, ये जो पिन है हाफ डाउन नहीं होता है, ये लॉक इसलिए लगा हुआ रहता है इसमें। अभी देखिए पिस्टन मैंने लगा चुका हूँ ब्लॉक में, और ये दो डिस्टेंस में लगा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो क्या पिस्टन बराबर ब्लॉक पूरा बराबर परफेक्ट नहीं जगह बैठता है। ये देखो टाइमिंग चैन है,
देखो इसको सिलो सिलो से करना चाहिए, ठोकना नहीं चाहिए इसको, प्याज से करना चाहिए इसको, जो अंदर बराबर बैठ जाना चाहिए। ये देखिए ऐसे इसको बैठाना चाहिए, ये देखिए बैठ गया। टाइमिंग कभी भी सेटिंग करना है इसका, ये देखिए ये जो पिस्टन है टॉप पे रहना चाहिए। अब इसके ऊपर हेड बैठेगा, अभी देखिए ये चैन गार्ड है, इसमें देखो खांचा है दो, इसमें बैठना चाहिए, बार बैठ गया। इसके बाद में पैकिंग लगेगा, देखिए पैकिंग बैठ गया हुआ। अभी इसमें भी दो डिस्टन लगता है जो इसमें हेड में लगा हुआ है, ये देखिए हेड में दोनों लगा है। और ये जो चैन गाइड है क्या काम करता है, जो चैन है इसके ऊपर ऐसे चलता है थोड़ा पकड़ के, और ये दूसरा अप डाउन करता है, ये चैन एडजस्टर बोलते हैं, लगा हुआ रहता है इसमें इधर। अब इसके ऊपर हेड फिटिंग होने जा रहा है, इसमें भी देखो दो डिस्टेंस लगा हुआ रहता है, डिस्टेंस इसलिए लगा रहता है कि ये हाफ डाउन से नहीं करना चाहिए, इसलिए ये देखो इसमें लगा दे रहा हूँ मैं। ये अभी फिटिंग हो गया, अभी ये सब बोल्ट लगाना है। टाइमिंग सेटिंग कैसे किया जाता है वो आपको बता दे रहा हूँ मैं। जो चैन का खाँचा है डायरेक्ट उसे लाइन पर रहना चाहिए, बैठे पहले देख लो ऊपर नीचे। ये देखिए जो लाइन है बराबर, देखो लाइन है ये कंप्लीट, देखो पूरा फिटिंग हो गया। इसके ऊपर कवर आता है, इसको बोलते हैं टूप कवर, और सब आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए एक रिंग इधर लगा हुआ रहना चाहिए, एक रिंग इधर आता है, इसमें रिंग लगा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं लेकर लगा रहेगा दोनों में तो इसमें भी धुआं मारता है गाड़ी, अक्सर कभी भी देख लेना चाहिए दोनों रिंग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। फिटिंग कर दे रहा हूँ, देखो पूरा गाड़ी जो है पूरा कंप्लीट फिटिंग हो गया हुआ है। अभी देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें, ये देखिए चाबी ऑन किया, चाबी ऑन करने के बाद ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया।